मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है, जो मेरा ब्लॉगिंग है, ये एक फुल वीडियो फुल ब्लॉगिंग नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को जो जाना था, जो मुझे ब्लॉगिंग करनी थी विकास नगर से लेकर कोमुख तक ओवन तक करनी थी, और मैं चाहता था कि मैं इसकी पूरी ब्लॉगिंग बनाऊँ और वीडियो अपलोड करूँ, बट ऐसा हुआ कि हमको वहाँ जाने नहीं दिया, गंगोत्री से आगे हमको जाने नहीं दिया। फॉरेस्ट वालों का कहना था कि गंगोत्री से ऊपर बर्फ़ पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और तूफान आया है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो रास्ता था वो क्लियर नहीं था। तो हमने भी उसकी फॉरेस्ट वाले की बात मानकर, हमने रिस्क ना लेकर हमने आगे ना जाने का फैसला किया। तो ये जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो रहेगी दो पार्ट में, एक विकास नगर से उत्तरकाशी तक, और उत्तरकाशी से अगले दिन हम लोग गए थे हाशिए और गंगोत्री। तो ये मैं वीडियो दो पार्ट में डालने वाला हूँ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि बीच में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग, जो भी कुछ अच्छा दिखा, मतलब मुझे दिखा, मैंने उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में पूरी वीडियो में डिटेल्स दी है। तो आई होप जैसे आप, मतलब आपको जैसी वीडियो लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हेलो एवरीवन, सो अब हमारी जर्नी होती है स्टार्ट यहाँ से विकास नगर से गंगोत्री। तो हम कोशिश करेंगे कि सीधा गंगोत्री ही पहुँचे फर्स्ट डे। तो अभी बज रहे हैं 8 या 9 बज रहे हैं, तो अभी कोशिश करेंगे कि हम सीधा 300 किलोमीटर का जो जर्नी है पूरी कंप्लीट करें और गंगोत्री पर रुके, तो हम यहाँ से निकलते हैं। आगे की जर्नी आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए जमनापुर में, यहाँ पर एक थापा रेस्टोरेंट है, मेरे पीछे देख सकते हो थापा रेस्टोरेंट। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे, हमने ऑर्डर कर दिया है। वैसे आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जमनापुर का। तो हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गोपी भाई, पवन अजय, और ये है यहाँ का ओनर, इसे जानते ही होंगे आप, गणेश थापा। और ये ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो ब्रेकफास्ट खा लेंगे हम। देख सकते हो अभी हम पहुंचे हैं राड़ी टॉप, और ये बुरांस का फूल, और अभी हम यहाँ पर हैं, चाय पिया हमने, पानी की बोतल ली, और अब हम निकलते हैं यहाँ से अपनी यजदी में। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ प्राकृतिक शिव गुफा, जो कि उत्तरकाशी से 60 किलोमीटर पीछे है। तो अभी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा हमको ऊपर, और मैं आगे आपको गुफा दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर जाता हूँ मैं। इस गुफा में मैं करीब 9 या 10 साल पहले आया था इस गुफा में, तो मुझे अभी भी याद है, बहुत ही प्यारा है अंदर से। यहाँ पर शिवलिंग वगैरह, नाग वगैरह सब बना हुआ है। तो अभी मैं 9 या 10 साल बाद आ रहा हूँ, तो देखते हैं, मैं आपको अंदर का एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अंधेरा रहेगा, गुफा है वो शिव गुफा, प्राकृतिक, अपना आप ही बना हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से, ठीक है। पहुँच चुके हैं हम प्रवेश द्वार में। यहाँ लिखा है कि 20 जनवरी 1999 में माँ दुर्गा प्रकट हुई, स्थापना 10 मई 2001 को, देश विदेश से। तो 2001 को ये बना है, और 1999 में ये प्रकट हुआ है 20 जनवरी को। तो अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है।
ये बंद है अभी, ये गुफा का रास्ता। हमारे भाई लोग ये पे खड़े हैं, तो वैसे तो ये बंद रहता है, जब कपाट खुलता है तभी ओपन होता है, बट हमारी किस्मत अच्छी है कि पंडित जी यहीं थे, तो ये लोग तो पंडित जी हमारे लिए खोल रहे हैं गुफा का रास्ता। हम जाते हैं नीचे, तो मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाता हूँ। जय महाकाल बाबा, जय महाकाल, जय शिव। चलो, ये रास्ता ये है शिवलिंग ना, ये वाला, ये ऊपर नजी। बताओ फिर हमें इसके बारे में, बताओ क्या है ये? हनुमान जी का गजा है। हाँ जी। और ये मगरमच्छी। कौन सा मच्छी? मगरमच्छी। ये अच्छा 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 हाँ जी, दिखाई दे रहा है। कोई ये जो लिंग है क्या मतलब? यार एक मिनट, लाइट नहीं है यार, एक मिनट। ये शिव का पांव है, ये इधर ही, ये यहाँ देखो। एक मिनट, अब बताओ। ये है शिव का, ये शिव जी का पांव। हाँ, ये शिव जी। जे हो जे हो। अच्छा, कर लो। ये है गुप्त गंगा। गुप्त गंगा, ये गुप्त गंगा आ रहे। हाँ जी। ये महा पार्वती जी था, शंकर जी पार्वती जी था। हाँ जी। और ये शिवलिंग था। अच्छा अच्छा, लिंग। हाँ जी, शिवलिंग ऊपर से। यहाँ कई करोड़ों देवता होगी इसके अंदर। इसके अंदर आकृति बनी होगी ना? हाँ, आकृति ये कुदरती बनी। कुदरती बनी है ये। अच्छा, कुदरती। शंकर जी है, शंकर है, पार्वती जी है, गणेश जी है, और ये हनुमान जी का गजा है, ये वाला। अब इधर दिखाएंगे आपको गंगा जल। ऐसा कर लो, और बताओ। जय हो, जय हो माता जी, जय हो माता जी। सीता रुकी है। जी जी। ये भोले महाराज जी के नीचे की भूल गया बना। हाँ, ये है, इसके लिए चूहा है यहाँ इधर। ये पंचमुख है। पंचमुख, पंचमुख। हाँ जी। दोस्तों, आपने देख लिया है शिव गुफा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास, और ये उत्तरकाशी से सिर्फ 60 किलोमीटर पीछे है। और अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो, जब गंगोत्री के कपाट खुल जाते हैं तब आप आओ, तो आप तब आपको इसके दर्शन हो सकते हैं। बाकी अगर आप बिना उसके आओ, कपाट खुले, तो इसके दर्शन आपको नहीं होंगे। बाकी जय शिव शंकर। सो अभी हम पहुँचे हैं धरासु बैंड, और यहाँ पर हम कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। ये है, ये रोड जाती है आपकी देहरादून ऋषिकेश, ये रोड जाती है देहरादून ऋषिकेश, और ये उधर से ही यमुनोत्री की तरफ जाती है, यमुनोत्री पर कोट। तो हम अभी इस रोड से आए, तो कुछ खाते पीते हैं इधर आराम से बैठ के। आगे
वक्त हूँ मैं उत्तरकाशी की झील में। मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, और पूरा उत्तरकाशी है। तो अभी शायद आज हमको यहीं रुकना पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पर होटल वोटल देखते हैं और होटल में रूम वगैरह चेक करते हैं, जो सस्ता होगा वही लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से चले हैं हम, सुबह से थक चुके हैं काफ़ी। तो अभी आज ही रेस्ट करना पड़ेगा उत्तरकाशी में, और कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से गंगोत्री के लिए। तो हमको सस्ता सा रूम मिल चुका है और बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, कैसा है यहाँ का व्यू। सामने देखो पहाड़, अच्छा व्यू है। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये देखो, ये हम चार दिनों के लिए है इधर, ये हमारा पूरा सामान। रूम काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, मतलब आज रात को रुकने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, देख सकते हो। और वॉश मशीन और वॉशरूम तो बहुत ही बड़ा है, ये देखो, मतलब अच्छे खासे रूम रेंट, मतलब इतना महंगा भी नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा कोई जानने वाला था उत्तरकाशी में, तो उसके थ्रू हमें कुछ डिस्काउंट मिला। और काफ़ी अच्छा रूम है, टीवी भी है यहाँ पर, इतना सारे पुलिस हर चौक में देख सकते हो। सामने व्यू बहुत ही प्यारा है। तो आज का पहला दिन हुआ हमारा कंप्लीट विकास नगर से लेके उत्तरकाशी तक। हमारा प्लान था गंगोत्री तक जाने का, बट गंगोत्री हम जा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। तो विकास नगर से उत्तरकाशी करीब 200 किलोमीटर पड़ता है, तो हम यहाँ तक आए और रूम लिया और खाना वाना खा के थोड़ा हम उत्तरकाशी का मार्केट भी घूम चुके हैं। कोई मंदिर था काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ भी गए और थोड़ा मार्केट वगैरह यहाँ पे घूमे, तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी बड़ा है उत्तरकाशी। तो अब हम कल सुबह निकलेंगे यहाँ से गंगोत्री के लिए, तो हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा और अभी जल्दी सोना होगा, तभी हम कल जल्दी उठ पाएंगे और गंगोत्री की जो यात्रा है वो पूरी कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।